नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निम्मे सिन्हा। बिहार में नीतीश बाबू समाधान यात्रा पर निकले हुए हैं। इस दौरान जनता अपनी बात मुख्यमंत्री के सामने रख रही है। इसी सिलसिले में कुछ दिनों पहले नीतीश बाबू ने भोजपुर जिले के 3 प्रखंडों का दौरा किया। जब नीतीश को रास्ते में एक किसान ने रोककर अपनी बात बतानी शुरू की तो एक सुर में बस बोलता चला गया। जैसे ही सीएम नीतीश और डिप्टी सीएम तेजस्वी उसके सामने से गुजर रहे थे तो उसने एक सुर में बोलना शुरू कर दिया। वहीं नीतीश बाबू कैसे हुए तेजस्वी के सामने पानी पानी, देखिए इस रिपोर्ट में। प्रणाम सर, नहर में पानी नहीं आ रहा है। सर, नहर में पानी 10 साल से नहीं आ रहा है। यहाँ पर विकास कुछ नहीं हुआ है। नहर में पानी नहीं आ रहा है, हम लोग किसान मर रहे हैं। आप बिहार के मुख्यमंत्री हैं सर, यहाँ पानी एक बूंद नहीं आ रहा। सर, भूखे सर मर जाएंगे, आप बचाइए सर। जब नीतीश को रास्ते में एक किसान ने रोककर अपनी बात बताना शुरू किया तो एक सुर में बोलता चला गया। दोनों हाथ जोड़कर उसने मुख्यमंत्री को अपनी बात बताई। आपको बता दें कि बिहार में समाधान यात्रा के सिलसिले में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कुछ दिनों पहले भोजपुर जिले के 3 प्रखंडों का दौरा किया था। इस दौरान संदेश प्रखंड में सीएम नीतीश का कार्यक्रम रखा गया था। उनके साथ डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव भी मौजूद थे। सीएम नीतीश लाव लश्कर के साथ पैदल जा रहे थे। दोनों किनारों पर लोगों की भीड़ लगी थी। नीतीश कुमार जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे थे, मगर एक किसान ने ठान रखी थी कि वो अपनी बात सीएम नीतीश तक पहुंचा कर ही मानेंगे। जैसे ही सीएम नीतीश और डिप्टी सीएम तेजस्वी उसके सामने से गुजर रहे थे तो उसने एक सुर में बोलना शुरू कर दिया। प्रणाम से अपनी बात शुरू करने वाले किसान ने पूरी सरकार की पोल खोल कर रख दी। उसने कहा कि प्रणाम सर, नहर में पानी नहीं आ रहा है। सर, नहर में पानी 10 साल से नहीं आ रहा है। यहाँ पर विकास कुछ नहीं हो रहा है। नहर में पानी नहीं आ रहा है, हम लोग किसान मर रहे हैं। आप बिहार के मुख्यमंत्री हैं सर, यहाँ पानी एक बूंद नहीं आ रहा। सर, भूखे मर जाएंगे। सर, आप बचाइए। सर, हम किसान आधारित हैं। सर, किसान लगातार बोलता चला जा रहा था। इस दौरान नीतीश कुमार का हाव भाव पूरी तरह बदल चुका था। वो जानने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर किसान को क्या परेशानी हो गई। इतना ही नहीं, आपको यह भी बता दें कि संदेश प्रखंड के इस किसान को ये मालूम था कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 2024 में प्रधानमंत्री भी बन सकते हैं। इस दौरान उसने कहा कि आप पीएम बनिएगा सर, आप पीएम बनने वाले हैं सर। इसके बाद अधिकारियों और सीएम को समझने में कुछ वक्त लगा। फिर नीतीश कुमार ने अधिकारियों की ओर इशारा किया तो इत्मीनान से किसान ने कहा कि सर, नहर में पानी नहीं आ रहा। अफसरों ने पूछा कि कहां का मामला है। फिर किसान ने कहा कि यहां पर हमारे नहर में, हमारे संदेश में पानी नहीं आ रहा सर। इसके बाद नीतीश कुमार को कुछ अफसरों ने पूरा मामला समझाया। तब संदेश का ये किसान सीएम को बीच रास्ते में रोककर अपनी बात कह रहा था तो उस वक्त नीतीश कुमार के साथ बिहार के वो सभी बड़े अफसर मौजूद थे जो किसी भी सरकार को चलाते हैं, योजनाओं को जमीन पर उतारते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, कैपिटल टीवी। बहरहाल, नहरों में पानी नहीं आने के कारण किसान काफी परेशान रहते हैं। इसी को लेकर अपना दुखड़ा सुनाते हुए एक किसान ने मुख्यमंत्री से गुहार लगाई। थोड़ी देर के लिए सभी लोग सकते में पड़ गए। बाद में नीतीश कुमार ने संबंधित पदाधिकारियों को इस पर जल्द कार्रवाई करने का निर्देश दिया। लेकिन सवाल अब भी वही के वही है कि आखिर सरकार अब तक क्या कर रही थी। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे कैपिटल टीवी बिहार। दीजिए इजाजत, नमस्कार।